Hey guys, this is Gaurav और मेरे साथ है कुमार, लेकर आए आपके लिए आपका अपना प्रोग्राम जिसका नाम है म्यूजिक लैब। म्यूजिक लैब में हम दिखाते हैं वो चार गाने जो हैं ट्रेंड में और उनका करते हैं रिव्यू। तो चलिए दिखाते हैं आपको वो चार गाने जिनके बारे में आज हम करेंगे बात। तो चलिए ये हैं वो चार गाने जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। और सबसे पहले जो गाना हम लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं नाचन की तोल। ये बहुत नाचता है यार, है ना। तो हम सब लोग नाचना हमें पसंद है। तो आपको बता दूं कि इस गाने को जो गाया है वो गाया यूके हरियाणवी में, और इस गाने में एज अ मॉडल सपना चौधरी तो है ही है, और उनका साथ दिया है भारत नेगी ने, और इस गाने को डायरेक्ट किया है जीत घनगस। गाना बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये है कि पहले हम दोनों की फेवरेट वाली लाइंस आपको सुनाते हैं, फिल आउट कराते हैं। तो चलिए ये हैं हम दोनों की फेवरेट वाली लाइंस, एंड गाना ठीक है, अच्छा है, आपको देखने में मजा आएगा। और गाने में कुछ कुछ चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हैं और कुछ कुछ चीजों में कमी है। बाकी कुमार से जानते हैं, कुमार क्या है गाने में खास? गौरव, गाने का जो टाइटल है नाचन की तोड़, और मुझे लगता है कि ये जो हरियाणा में कहते हैं तगाजा, बहुत ही मुश्किल से डट पाता है खासकर हरियाणियों के लिए, क्योंकि मौका नहीं छोड़ते, कहीं भी नाचने का मौका मिलता है तो बिल्कुल ही उसका पूरा फायदा उठाते हैं। और मैं बिल्कुल, आपने सही कहा, मेरे से बिल्कुल जब मैं कहीं शादी फंक्शन में कहीं गया हूँ और डीजे बज रहा तो मैं बिल्कुल नहीं रोक पाता अपने आप को। ये खूबी मेरे हिसाब से हर हरियाणी में होती है। और गाने की अगर बात करें तो नाचन की तोल गाने का जो म्यूजिक है अच्छा है, और सपना चौधरी गाने में बहुत कमाल की लग रही हैं। और मैं साथ ही साथ इसमें भारत नेगी की मैं तारीफ करना चाहूँगा बोलो, क्योंकि हमने अभी तक उनको किसी और हरियाणी गाने में नहीं देखा, और उनका डेब्यू सॉन्ग हम कहीं ना कहीं, जहाँ तक हमें इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, वहाँ तक उनका आई थिंक ये डेब्यू सॉन्ग है, और बहुत कमाल बहुत अच्छा एक्ट किया है। और सपना चौधरी के साथ जो केमिस्ट्री उनकी है वो बहुत अच्छी लग रही है। साथ ही साथ सपना चौधरी का जो डांस है यूजुअल हमेशा की तरह बहुत कमाल का है, और यूके हरियाणा में इससे पहले भी सपना चौधरी के लिए बहुत सारे सॉन्ग्स चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उन गानों के ऊपर जो बॉन्डिंग बनाना, कहीं ना कहीं सपना चौधरी के लिए वो लिपसिंग करना, वो भी बहुत अच्छी है। तो कुल मिला के गाना अच्छा बना मेरे हिसाब से। तो चलिए पूरा गाना आपको दिखाते हैं, फिर लौट कर आते हैं। तेरी पतली कमरिया गिर खानी घनी झोल मारगी। तो चलिए ये है पूरा का पूरा गाना, और गाने में जैसे इन्होंने कहा कि नया लड़के की एंट्री हुई है और बहुत अच्छे से उन्होंने काम किया है, एंड केमिस्ट्री अच्छी है उनकी सपना के साथ, और मुझे भी गाना अच्छा लगा। आप एक बार सुनेंगे तो आपको मजा आएगा, सुनने में आपको ना ऐसा लगेगा कि यार कुछ नई सी चीज़ सुन रहे हैं। तो चलिए फाइनल वर्ड कुमार से जानते हैं, फिर आपको बताएंगे इस गाने को हम कितने स्टार्स देने वाले हैं। गौरव जी, गाने की अगर राइटर की बात करें तो प्रेम जांगड़ा ने इस गाने के बोल लिखे हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही कमाल के बोल लिखे हैं। और जीत घनगस है, इससे पहले भी सपना चौधरी के कई सॉन्ग का डायरेक्शन वो कर चुके हैं। और खास बात मैं बताना चाहूंगा गौरव जी, इस गाने के जो डीओपी है वो है लवली खान, और लवली खान भी अब दो तीन कुछ गानों का जो डायरेक्शन वो कर चुके हैं। और मोस्ट ऑफ हरियाणा में क्या हो रहा है कि जो अब पुराने जो जितने भी जो डीओपी हैं वो डायरेक्शन के जो क्षेत्र में वो उतर गए हैं। उसके अलावा आप शिवा जांगड़ा है, उसके अलावा और भी बहुत सारे जो साहिल संधू है वो खुद पहले डीओपी हुआ कर रहे हैं, तो प्रोग्रेस मतलब कुल मिला के कह रहे हैं कि जो डीओपी पुराने वही अब डायरेक्टर भी बन रहे हैं। तो कुल मिला के ये गाना कहीं ना कहीं काफी अच्छा बना है, डांस के हिसाब से अच्छा बना है, क्योंकि खासकर हरियाणा में जो डीजे सॉन्ग्स को प्यार मिलता है तो उस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो चलिए हम दोनों की तरफ से और जनता की तरफ से इस प्यारे से गाने को मिलते हैं 3 स्टार्स। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ, और अगले गाने के बोल जो है वो है 24 कैरेट। इस गाने को जो गाया वो गाया देवेंद्र अहलावत ने, और इसमें एज अ मॉडल देवेंद्र तो है ही है, उनका साथ दिया अनु जी ने, और इस गाने को जो डायरेक्ट किया वो किया है निट्स ने, बड़े डिफरेंट सा नेम है, बट गाना जो है वो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। और बाकी हम दोनों की फेवरेट वाली लाइंस आपको पहले सुनाते हैं, फिर लौट कर आते हैं। तो चलिए गाइस ये है हम दोनों की फेवरेट वाली लाइन, फेवरेट तो बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ पूरे गाने में ये लाइन हमें अच्छी लगी। और आपको बता दूं कि गाना जो है मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। बाकी कुमार से अंदर, कुमार क्या है आपकी राय? गौरव, देवेंद्र अहलावत बहुत ही कमाल के सिंगर है, और एक अच्छा खासा इनका फैन बेस बन गया था अच्छा खासा, और खासकर इनका जो निशानी सॉन्ग गौरव जी मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत प्यारा लगा था, और मैं बार बार उनका ये गाना वो बहुत सुनता था। लेकिन क्या हुआ कि जब ये लगा लो कि 2-3 साल पहले कई बहुत अच्छे बेहतरीन उन्होंने सॉन्ग दिए, लेकिन उसके बाद अब बहुत कोशिश कर रहे कैम्प कम बैक करने की, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इनके लिए। मुझे लगता है कि जो
कहते हैं ना कि जो एक टाइम होता है जो आपका नहीं होता, और वही टाइम मुझे लगता है कि फिलहाल अब इनका देवेंद्र हलावत का चल रहा है, तो काफ़ी स्ट्रगल इनको करना पड़ रहा है। गाने की अगर बात करें तो गौरव जी, गाने का जो म्यूजिक है फीका रह गया, गाने के जो लिरिक्स हैं वो भी इतने कोई असरदार आपको नहीं दिखाई देंगे, लेकिन गाने की अगर खासियत की बात करें तो गाने का जो वीडियो जिस प्रकार से शूट किया गया, पिक्चराइजेशन है, वाइट कलर जो बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया, तो गाने की शूटिंग के हिसाब से, वीडियो के हिसाब से गाना अच्छा बना, लेकिन गाने का जो म्यूजिक और लिरिक्स थोड़े से कमजोर रह गए। चलिए पूरा गाना आपको दिखाते हैं, आप भी देख लें गाने में क्या अच्छा क्या बुरा है। चलिए पूरा गाना। डायरेक्शन थोड़ी अच्छी है, यही कहना चाहूंगा मैं। चलिए अब जानते हैं कुमार से फाइनल वर्ड, उसके बाद आपको हम बताएंगे कि इस गाने को हम कितने स्टार्स दे रहे हैं। गौरव जी, गाने के जो बोल लिखे हैं वो खुद देवेंद्र हलावत मोस्टली अपने गानों के बोल वही लिखते हैं, और मुझे लगता है कि खासकर देखो पता क्या होता है कि जब एक जब सिंगर्स होता है, खासकर चाहे हरियाणा में या फिर कोई भी सिंगर हो, जब उसका एक दो जो सॉन्ग जिस प्रकार के चल जाते तो कोशिश करता है कि मैं उसी प्रकार के सॉन्ग में बनाऊँ और मेरा वो भी चल जाएगा, तो ये हर बार नहीं हो पाता, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको कुछ हटकर कुछ चेंजिंग करने चाहिए, कुछ दूसरे जो आर्टिस्ट हैं, दूसरे जो लिरिक्स हैं, लिरिस्ट हैं जो लिखते हैं उनसे आप कॉन्टेक्ट करें, उनसे बात करें, तो कुछ नया करने की मुझे लगता है कि देवेंद्र हलावत को अब जरूरत है कुछ नया करने की, उनको कोशिश करनी चाहिए। गाने का जो वीडियो जिस प्रकार से आपने कहा कि डायरेक्शन अच्छा किया है, जिस प्रकार की गाने को जो वीडियो शूट किया गया, लेवल बहुत अच्छा है गाने पर, ऐसी बात नहीं कि पैसा वैसा अच्छे से लगा रखा है, लेकिन जो कमियां जो रह गई मुझे लगता है कि सबसे जरूरी होते हैं गाने के लिरिक्स और म्यूजिक जो सबसे जरूरी होते हैं, क्योंकि देखो डीजे पे फर्क नहीं पड़ता कि वीडियो कैसी है, उनको नाचना होता है या फिर उनको एंजॉय करना होता है, और इसी प्रकार से अगर आप रात को वैसे अगर हेडफोन लगा के सुन रहे हो तो आपको उनको उस वक्त भी सिर्फ सुनना होता है, तो मुझे लगता है कि उस पर सबसे ज्यादा जरूरत है मेहनत करने की, आप वही मेहनत। तो चलिए अलावा जी, बस आपको हमारी यही राय है कि एक्सपेरिमेंट करें नई नई चीजों के साथ। तो चलिए फिलहाल हम दोनों की तरफ से और जनता की तरफ से इस गाने को मिलते हैं ओनली 2.5 स्टार्स। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ, जो कि गाया मनीष मस्त ने, और बोल जो है हम दोनों में बड़े स्टीक हैं, कुवारा बोल हैं गाने के, और इस गाने में जी हाँ मस्त जी तो है ही है, उनका साथ दिया हिमांशु चौधरी ने, और इस गाने को जो डायरेक्ट किया है वो किया है अमित चौधरी ने। तो इससे पहले कि कोई और बात करें, हम दोनों की फेवरेट वाली लाइन आपको सुनाते हैं, फिर लोड कराते हैं। तो जी ये है हम दोनों की फेवरेट वाली लाइंस, हालांकि गाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, और कुछ कुछ चीज़ें अच्छी थी और कुछ कुछ चीज़ों में मुझे मज़ा नहीं आया। कुमार से जानते हैं, कुमार क्या है आपकी राय? गौरव जी पहले तो गाने का जो टाइटल है वो बहुत अच्छा लगा मुझे, कुवारा कहीं ना कहीं हम पे बहुत अच्छे से जचता है। उसके अलावा गाने की अगर हम लिरिक्स की बात करें तो कुछ इतने ज्यादा कमाल नहीं कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गाने को किस जहन में क्या जहन में रखकर इस गाने को बनाया गया है, क्योंकि ना तो मुझे लगता है कि इस गाने पे कोई ज्यादा फन यानी मस्ती नहीं आती, क्योंकि देखो मनीष मस्त के जो मोस्टली जो गाने होते हैं उनमें वो हमेशा फन डालते हैं, तो इस गाने मुझे लगता है कि वो फन थोड़ा सा मिसिंग रह गया। तो गाने के लिरिक्स ठीक ठाक है, म्यूजिक भी मुझे थोड़ा सा फीका लग रहा है यार, कोई मतलब कोशिश करें कि ज्यादा दर्द बयां करूं थोड़ा सा फन के साथ, तो वो चीज भी नहीं हो पा रही है। और हालांकि गाने को जिस प्रकार से शूट किया गया है, अमित चौधरी ने बहुत कमाल का शूट किया है, और डायरेक्टर तो वो कमाल के ही हैं, तो उनकी आप देख सकते हैं कि गाने की जो वीडियो क्वालिटी है, जिस प्रकार से गाने को डायरेक्शन किया गया है, स्टोरी में डालने की कोशिश की गई है, वो बहुत कमाल की है। चलिए पूरा गाना आपको दिखाते हैं, फिर लौट कर आते हैं, और फिर आप भी जज कर लीजिए कि गाने में आपको क्या क्या चीजें मिसिंग है। तो जी ये है पूरा का पूरा गाना, और मेरे हिसाब से बहुत सारी चीजें मिसिंग है ना, मुझे बहुत ज्यादा अप टू मार्क नहीं लगा गाना, जैसे कि इन्होंने बताया कि कुछ कुछ चीजें मिसिंग है। अब कुमार से जानते हैं फाइनल वर्ड, उसके बाद हम बताएंगे इस गाने को हम कितने स्टार्स देने वाले हैं। गौरव जी गाने के जो बोल लिखे हैं वो खुद मनीष मस्त ने लिखे हैं, और हमेशा ही वो ट्राई करते हैं कि वो थोड़ा सा गाने में थोड़ा सा फन डालने की हमेशा भी कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको ट्राई करना चाहिए, और सिंगिंग की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि वहां पर भी वो थोड़ी सी जबरदस्ती कर जाते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यार अगर आप इतना ही अच्छा लिखते हैं कुछ आप, मुझे लगता है कि देखो मनीष मस्त गौरव एंटरटेनिंग बहुत कमाल के, बहुत बढ़िया वो एंटरटेन कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि सिंगिंग में थोड़ा सा उनको या तो आप और अच्छे से उसको निखारने की कोशिश कीजिए, या फिर आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए, आप अपना जो आप जिस चीज़ में आप बेस्ट हैं उसे में आप और अच्छे करने की कोशिश करें। तो चलिए थोड़ी सी राय दे देते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि इंडिया में हर कोई राय चंद है यार, हम अपनी राय दे देते हैं, बाकी आपकी मर्जी, लोग भी हम बता देते हैं आपने माने मानिए नहीं, लेकिन देखिए जो चीज़ अच्छी लगेगी हम बताएंगे, जो हमें अच्छी लगती है, जो पब्लिक को अच्छी लगती है, जैसे आप एंटरटेनर बहुत अच्छे हैं तो बहुत अच्छे हैं। तो चलिए फिलहाल हम दोनों की तरफ से और जनता की तरफ से इस गाने को मिलते हैं ओनली
2.5 stars. तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ, और अगले गाने के जो बोल हैं वो है छोरा गाम का, और इस गाने का जो गाया है वो गाया वीर साहू ने, और इस गाने में आजम मॉडल वीर तो है ही है, और उनका साथ दिया ख्याति शर्मा ने, और साथ ही साथ आपको बता दूं इस गाने को जो डायरेक्ट किया वो किया हरियाणा के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स दीपेश गोयल ने। और इस गाने में खास क्या है, खास तो ये है भाई कि पहले हम दोनों की फेवरेट वाली लाइंस आपको सुनाते हैं, फिल आउट कराते हैं। तो जी ये है हम दोनों की फेवरेट वाली लाइंस, यानी कि कुमार की और मेरी, और आई विश कि आप लोगों की फेवरेट बन जाएगी। और गाने में खास बात ये है कि मुझे सबसे अच्छी जो लगी वो लगी डायरेक्शन, गाने को बहुत अच्छे से प्राइस किया गया। बाकी कुमार से जानते हैं, कुमार क्या है गाने में खास? गौरव जी आपको याद होगा कि इससे पहले इनका जो सॉन्ग आया था जो चंबो चाली, जो वीर साहू का जो गाना था, उसे भी दीपेश गोयल ने डायरेक्ट किया था। बहुत कमाल का सॉन्ग था गौरव जी, लिरिक्स बहुत कमाल के थे, म्यूजिक बहुत कमाल का था, और वो एक हिट गाना था, बहुत बड़ा हिट गाना था, बहुत बढ़िया वो सॉन्ग चला था। और उसके बाद इस, क्योंकि इनकी वीर साहू की जो एल्बम है जो रात का राजा, ये जो एल्बम है उसका ये सेकंड सॉन्ग आया है, और मुझे लगता है कि गौरव जी इस गाने को सूट अच्छे से किया गया, क्योंकि देखो दीपेश गोयल जिस गाने के डायरेक्टर हो और उनको ये अच्छा खासा बजट दे दिया जाए कि आप करिए जो खेलना आप जिस पैसे दे दिए जाए भाई पानी की तरह पैसा भा। तो गाना शूट करने में मुझे लगता है कि कोई कसर नहीं छोड़ेगा, और दीपेश गोयल तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे। तो गाने को जिस प्रकार से इसे भी शूट किया गया, बहुत कमाल का शूट किया गया, लेकिन जो कमी रहेगी गौरव जी मुझे लगता है कि वो लिरिक्स वीर साहू के कमजोर रह गए इस गाने के, गाने का जो म्यूजिक भी थोड़ा ओके बहुत फीका रह गया। मुझे लगता है कि देखो इतने बड़े बड़े नाम वीर साहू बहुत बड़ा नाम है, दीपेश गोयल बहुत बड़ा नाम है, खैर दीपेश गोयल तो लिरिक्स में कुछ नहीं कर पाएंगे, और मुझे लगता है वीर साहू को थोड़ा सा अपने नाम के हिसाब से, अपना उनका जो लेवल है उसके हिसाब से थोड़ा सा कुछ और नया ट्राई करना चाहिए था, कुछ और अलग सा कोई डिफरेंट सा म्यूजिक उनको करना चाहिए था, तो यहाँ पर थोड़ी सी कमी। गौरव जी गाम का छोरा सॉन्ग बहुत ही अच्छा है, और गाने की अगर जिस प्रकार से गाने को शूट किया गया बहुत कमाल का है, म्यूजिक हालांकि थोड़ा सा फीका है लेकिन फिर भी जिस प्रकार से गाने में जिस प्रकार से एक्ट किया गया है, जो ख्याति शर्मा बहुत कमाल की लग रही है, वीर साहू के साथ जो बॉन्डिंग है उनकी बहुत अच्छी है, साथ ही साथ गाने की जो पिक्चर्स के जिस प्रकार से गाने को स्टोरी में डाला गया बहुत कमाल का है, तो कुल मिला के पूरी टीम की बहुत अच्छी है। और आपको याद होगा कि इनका जो पिछला जो इस टीम का जो सॉन्ग आया था चंबो चाड़ी, वो गाना भी बहुत अच्छा चला, वो भी बहुत कमाल, और कहीं ना कहीं गौरव जी जब एक्सपीरियंस हो जाता है आपको, जब एक टीम के साथ आपका अनुभव हो चुका है, तो मुझे लगता है कि अगले गाने में आपको काफी चीजें आपके लिए आसान हो जाती है, तो वही चीजें आप इस गाने में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। तो चलिए पूरा का पूरा गाना आपको दिखाते हैं, फिल आउट कराते हैं। छोरा मैं गाम का रुका मेरा नाम का छोरा मैं गाम का। तो गाइस ये पूरा का पूरा गाना, एंड आई थिंक यू विल गोना लव दिस वन, और बहुत सारी चीजें हैं जो गाने में अच्छी लगी, मेरी तरफ से थम्स अप है इस गाने को, और पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा लगा मुझे, और जैसे इन्होंने कहा कि केमिस्ट्री बहुत अच्छी है दोनों की एज अ मॉडल, और पिछला गाना जो था वो भी बेटर था, लेकिन ये भी ठीक है, अच्छा लगेगा आपको। और हालांकि कहीं कहीं ऐसा है कि म्यूजिक थोड़ा सा मुझे भी ऐसा लगा फीका, नहीं तो गाना बहुत बड़ा हिट हो सकता था। अब आगे देखते हैं कि आने वाले दिनों में लोग इसे कितना प्यार करते हैं, और अब फाइनल वर्ड कुमार से जानते हैं, कुमार क्या कहेंगे? गौरव जी गाने के जो बोल लिखे हैं वो खुद वीर साहू ने लिखे हैं, और मैं बताना चाहूंगा गौरव जी देखो जो दीपेश गोयल को वो डायरेक्टर हैं जिनको अगर आप छूट कर देते हैं, उनको पैसा दे देते कि आप बनाइए आपको जो बनाना है, तो मुझे लगता है कि ऐसे तो कोई डायरेक्टर नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर वही अगर दीपेश गोयल डायरेक्टर है तो वो भरपूर फायदा उठाते हैं। तो इस गाने में आप जो क्रिएटिविटी देखेंगे बहुत कमाल की है, जिस प्रकार से गाने का जो शूट किया गया लेवल बहुत अप है, आप पंजाबी सॉन्ग देखते हैं, आप बॉलीवुड के सॉन्ग देखते हैं, तो उन हिसाब से बहुत टक्कर देता है, और कहीं ना कहीं एक जो कहते हैं कि हरियाणा की जो खासकर देखो पहले क्या होता था कि हरियाणा की जो गाने की जो वीडियो होती थी उसका बड़ा मजाक उड़ाते थे कि यार ऐसे अब लेवल अप हो गया, तो लेवल अप गोइंग फार बहुत अच्छा है, और आप इस गाने को देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक जो पहचान है जो लेवल है उसको अपग्रेड कर रहा है ये सॉन्ग। चलिए तो हमारी तरफ से थम्स अप है, और हम दोनों की तरफ से और जनता की तरफ से इस गाने को मिलते हैं 3 stars। तो गाइस ये था इस हफ्ते का म्यूजिक लैब, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ नए गानों के साथ, तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री की सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए हरियाणा म्यूजिक।